तो गाइस, तब मैंने जिम स्टार्ट करी तो मेरा 43 किलो वज़न था, ठीक है। मेरे पास काम नहीं था, ठीक है, तो मैंने एक महीने जिम करी, फिर जिम छोड़ दी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले काम ढूँढा, तो काम मिलना भी बहुत मुश्किल था। फिर मेरा जो पड़ोसी था उसने मुझे काम दिलाया, ठीक है। तो जिस समय मेरे पेपर चल रहे थे 11th के, तब मैं काम पे गया, ठीक है। उस दिन भी पेपर था, तो उससे आधा घंटा पहले काम करके आया मैं। मेरी सैलरी 7,000 में लगा मैं, ठीक है। और ऐसे चलती रही 3-4 महीने, ठीक है। मैं पैसा कमा रहा, मेरे पास फ़ोन नहीं था, ना मेरे पास कुछ था, बस जिम जा रहा था। जिम की फ़ीस 500 रुपये थी, वही देता गया, चलता गया। धीरे धीरे मेरी सैलरी 8,000 रुपये हो गई, ठीक है। तो मैंने सोचा पैसा जिम में लगाना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने खाना पीना अच्छा करा, अपनी डाइट फॉलो करा, धीरे धीरे करते करते मैंने देखा अपने अंदर चेंजेस आने लगे। फिर भी दूसरों को दिख नहीं रहा था, दूसरे डिमोटिव कर रहे थे मेरे को कि तू पतला हो जा रहा है, जिम क्यों जा रहा है, क्योंकि उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी जिम की कि क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही आगे करता गया। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे एक गेनर लेना चाहिए। मैंने गेनर लिया, मैंने 50 किलो वज़न उससे करा, ठीक है। उसके बाद भी नाकामयाबी मिलने की, तो पतला है हड्डी है, ठीक है, यही सब सुनने में आया था। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि यूट्यूब स्टार्ट कर देना चाहिए, मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपने दोस्तों तक, अपने जो भी भाई, अपने प्यारे बिगनर हैं उनके तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो मेरा फिर 52 किलो kg पर आ गया मैं, धीरे धीरे चलते चलते, ठीक है। तो लाइफ में स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और स्ट्रगल वाले को ही पता चलता है कि मेहनत किसे कहते हैं। और कोई भी मेहनत करके आगे आता है, दुनिया में बिना मेहनत का कोई नहीं है। अगर जो है तो वो है मेहनत, जो होते हैं मेहनत करते हैं उनके बच्चे, वो उनका बोल सकते हैं नसीब था, ठीक है। और जो उनके माँ बाप इतना मेहनत करके आ गए हैं, वो समझ ही सकते हो आप। और फिर यही, मैं 52 तक आ गया, तो मैं 54-55 करने के लिए मैंने फुल डाइट, फुल पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दिया। मैं घर में दे नहीं पा रहा था पैसे, और मुझे घर से ताने वाने आते रहते थे, तो बहुत दिक्कत हो गई थी मेरे को इस समय। तो फिर मैंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोली, तब मेरी 9,000 सैलरी हो गई। तो मैंने घर में पैसे देना स्टार्ट किए, फिर भी घर वाले खुश नहीं हैं अभी तक, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब से भी अर्न नहीं कर पाता, किसी चीज़ से भी अर्न नहीं करता, एक्स्ट्रा कहीं पैसे नहीं आता, मेरी सारे डाइट में चले जाते हैं पैसे। और लास्ट के जो 10 दिन बचते, 10 दिन मेरे पास पैसे नहीं होते कुछ खाने के लिए, इसलिए मेरा वेट थोड़ा डाउन चला जाता है। तो मैं फिर कुछ, मैंने डाइट बताया, अपना प्लान इतना बनाया कि एक डाइट बना ली न्यूनतम करने के लिए अपने को, तो एक न्यूनतम डाइट बना ली मैंने, उस डाइट को फॉलो किया धीरे धीरे, तो मैं 54 पे आ गया, ठीक है। तो अगर आपको पूरी डाइट की वीडियो चाहिए तो मेरी पूरी वीडियो पे जा सकते हो और देख सकते हो मैंने क्या क्या किया, मेरे ब्लॉग्स में भी आपको दिख जाएगा एक्सरसाइज, मैंने कैसी एक्सरसाइज फॉलो करी। तो धीरे धीरे 54 हो गया मेरा, ठीक है। फिर लास्ट में मेरे को एक मंथ मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे को छोड़नी पड़ी। फिर मेरा वेट फिर 52 तक आ गया, डाउन चला गया।